pura nunca. मेरे अपने ब्लॉग के अंदर चेतन स्टॉक के अंदर दो तीन दिन पहले सार भाई एक बार हट था, उसकी वीडियो आने वाली है आज नहीं कल, सो आएगी उसकी वीडियो, वेडिंग भी चल रही है। और बस अभी हम जा रहे हैं कोटला, करण भाई आ रहे हैं। मैं सोच रहे पंखा दिखा रहा था, मेरी बारिश इतनी हो रही थी ना तो मेरे को काफी दिक्कत हो रही थी, मैं पंखा खरीदे बना ही आ गया। ये ऊपर पंखा लगा नहीं दिख रहा आपको, ये लगा पंखा भाई खराब हो कर रात को मैं बैठा था मम्मी के पास नहीं ड्राफ्टिंग कर रहा था केस की, तो क्या हुआ भाई उसमें आवाज भटाक क्या होगा तो पता लगा भाई पंखा ही फूक गया। फिर उन्होंने इलेक्ट्रिशियन बुलाया, इलेक्ट्रिशियन ने दिखाया, मैंने भैया देखना क्या हो रहा है पंखे में क्या दिक्कत है चल क्यों रहा, तो उसने कहा भाई ये पंखा तो फूक चुका है, ये पंखा ये रहा ठीक है ना। और मैं उस टाइम में नया लगा रहा था, मम्मी ने कहा चल कोई नहीं भी ये लगा ले फिर बाद में खरीद लियो, तो मैंने चलो ठीक है बाद में खरीद लूँगा, बिकॉज ऑफ दैट रीज़न मैंने खरीदा नहीं पंखा, अब मैं खरीदना पड़ेगा नया। मैं कोटला जाता हूँ, पहले सोचा था भागीरथ प्लेस से खरीद के जाऊँ, फिर मैं कहा छोड़ो एक पंखे के लिए क्या भागीरथ प्लेस जाऊँ, मेरे घर से कम से कम 10 किलोमीटर है, तो इस चक्कर मैंने फिर सोचा कि छोड़ो यार, इसलिए मैं अब यही पंखा खरीद के लाता हूँ, कोटला से खरीद के ला रहा हूँ मैं, फिर आपको दिखाता हूँ कैसा पंखा खरीद के लाया हूँ। 18-2 हज़ार का पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा, दो खरीद के लाऊँगा लगवा दूँगा। ऑफिस चेयर आपने मेरी देख ली है, नहीं आगे ऑफिस चेयर, और बस अब पंखा करने चलते हैं। करण भाई दोबारा आ रहे हैं अभी, बाहर बारिश रुक चुकी है पूरी, रुक चुकी भाई बारिश, और मौसम थोड़ा ऐसे हो रहा है मतलब ह्यूमिडिटी हो रही है, ह्यूमिडिटी हो रहा है मौसम में, ठंडक तो हो रही है थोड़ी लेकिन ह्यूमिड बहुत ज़्यादा है, तो ह्यूमिड होने चक्कर में ना वो वाली बात नहीं आ पा रही अभी भी, मज़े वाली जो आती है ना मज़े वाली बात वो आ नहीं पा रही है भाई। फ़ोन से ब्लॉगिंग कर रहा हूँ मैं आजकल, उसके बाद मैं सोच रहा हूँ फ़ोन अपग्रेड कर लूँगा, एप्पल खरीद लेता हूँ, लोग कह रहे हैं एप्पल काफ़ी अच्छा है ब्लॉगिंग के लिए, इसलिए मैं एप्पल खरीद लूँगा और फिर पैसे यूज़ कर लूँगा उसको, नया आ जाएगा फ़ोन भी मेरा लगे हाथ, अभी नहीं अगस्त के बाद लूँगा, बस तो आ गया दिवाली के टाइम पर लूँगा तो बस यही है, बाकी लगे हुए हैं काम में। कोर्ट अभी धीरे धीरे खोलना स्टार्ट हुआ है हमारे, करण भाई का वेट करूँ तो अभी तक नहीं आया, कम से कम 20 मिनट उसको फ़ोन करो, वैसे बोलता भैया मैं 5 मिनट रेड होकर आता हूँ, जब तू 5 मिनट रेड होकर आता तो भाई जल्दी जल्दी आता ही नहीं बंदा। बस अभी मौसम दिखा दो बाहर का, देखो भाई कैसा मौसम हो रहा है, पूरा गीला 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 देखो सारा मौसम हो रहा है, ह्यूमिड बहुत है ज़्यादा से ज़्यादा मौसम ह्यूमिड हो रहा है, ये वाली बात नहीं आ रही मतलब गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही, गंदी वाली गर्मी है, एसी भी ढंग से काम नहीं कर पा रहा, काम इन देंस मतलब भैया ह्यूमिड होता तो फिर एसी भी थोड़ी दिक्कत देता है। बाकी करण भाई आ गए चलते हैं, और ये वाला इस पर गंदा भी हो गया पूरा, मैं उसको पूरा चेंज करा दूँगा सारे को, नया लगवा दूँगा, अभी लेने जा रहा हूँ नया पंखा। हाँ जी नया ले आओ, पंखे लग गई और इसके बाद पंखा लगेगा इसके बाद। तार लग गया ऊपर खुल गया पंखा, उसी में ले जाएगा ना, उसी में ले जाएगा, इसमें भी पंखा है पूरा गाड़ी पूरा गाड़ी है पंखा। पंखा लग गया है पूरा कंप्लीट अपना, पूरा पंखा लग गया। वैसे बहुत तेज बरसात, हमारा वॉश मशीन ठीक करने वाला बंदा भी आने वाला था लेकिन वो आया नहीं, बाहर 2 दिन से बहाना मार रहा है, पैसे लेके वहाँ 1000 रुपये और बस सामान में लेकर आ गया, मोटर वोटर जो जो उसकी गियर बॉक्स जिसको बोलते हैं मैकेनिज्म भी बोलते हैं उसको, वो मैं लेकर आ गया, बंदा भाई आया नहीं रहा, बहाना मार रहा, कल बहाना मार रहा था भाई बरसात हो रही है, मैंने उसको आज फोन करा, मैंने अंकल जी आ जाओ क्योंकि आज अगर आप आ जाओगे बारिश नहीं हो रही, कल आप बोल रहे थे बारिश हो रही है, अगर आज आ जाओगे तो अभी बारिश नहीं हो रही तो उससे हमारा काम हो जाएगा और वॉश मशीन ठीक हो जाएगी। बस बंदा कह रहा पहले कह रहा 2 बजे आऊँगा, 2 बजे बाद कह रहा 5 बजे आऊँगा, कह रहा 5 बजे आऊँगा ना तो मेरे को आप फ़ोन मत करना नहीं तो मैं अब आ जाऊँगा अपने आप। मैं चल ठीक है भाई, क्योंकि मम्मी मेरे को बोल रही थी भाई बारिश आ जाएगी फिर वो दोबारा बहाना मारेगा बारिश का, इस चक्कर में मम्मी ने उसको फ़ोन कराया, फ़ोन कराने के बावजूद भी बंदा नहीं आया। बंदर भाई भाई बहुत तेज़ बारिश हो रही है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है, और मैं मजे ले रहा हूँ मम्मी को नहाने चले गए छत पे, सागर पीछे बैठा हुआ है मेरे,
बैठा हुआ भाई, क्या चल रहा है, कैसे रही आया स्वाद? यू कांट सी मी वी कैन सी यू। देखो अब जाएगा, अब आएगा बैठा हुआ था तेज। मैं सोच रहा हूँ शाम को मैगी बनाऊंगा, क्योंकि मैगी खाने का मन कर रहा है, चाय पीने का मन कर रहा है। चाय तो मैं दिन में भी पीता, मैंने क्या सोचा यार शाम हो रही, क्योंकि मैंने खाना लेट खाया 2 बजे करी, तो इसलिए मैंने सोचा क्या थोड़ा चाय पी लेता हूँ। फिर मैंने कहा यार छोड़, बरसात हो जाएगी थोड़ी देर में, मैंने कहा वो बंदा भी आ जाएगा मैं करने वाले मेरी, तो उसको भी बना दूंगा, मैं भी बना लूँगा और खुद दोनों चाय पी लेंगे भाई, मज़ा आ जाएगा। अब मेरा मन कर रहा है कि भाई मैं मैगी बनाऊँ, अभी थोड़ी देर में बनाऊँगा, वैसे मम्मी नहा धो लेगी, कोई मम्मी सब पे नहाने गई है, उसका बनाऊँगा मैगी, उसको बनाऊँ चाय, और मज़ा आ जाएगा भाई, दिल खुश हो जाएगा, क्योंकि मैगी चाय का जो माहौल है ना वो ऐसे बनता है। अब ऐसा लग रहा था दिल्ली के अंदर बहुत ही तेज़ बारिश हो रही है यार, बहुत ही तेज़ बारिश होगी, मूसलाधार थी, उसके बाद मज़ा लेना है। मेरे को लग रहा है नहीं मिक्सी वॉशिंग मशीन ठीक करने वाला बंदा आएगा आज, बाकी भाई वो कल ही बहाना मारा था और आज तो बहुत तेज बारिश हुई, कल तो फिर भी टिमटिम हो रही थी, मतलब धीरे धीरे हो रही थी, बहुत स्लो रेनिंग हो रही थी, आज तो काफ़ी फास्ट रेनिंग हो रही है, तो काफ़ी हेवी रेनफॉल हो रहा है भाई, बहुत ज़्यादा हो रहा है। चलो अभी थोड़ी देर में मिलता हूँ, मैगी बनाऊँगा फिर चाय बनाऊँगा फिर पीते हैं, अभी मैं अंदर बैठा हूँ, इतनी बारिश होने के बाद ही उमस हो रही है, और मैं इसी लगे बैठा हूँ कमरे में और यूट्यूब देख रहा हूँ, कि मैंने सुबह ड्राफ्टिंग कर ली अपनी, बस अभी काम करके, और सागर भाई की वीडियो आ गई होगी भाई, देखना बर्थडे वाली वीडियो, लाइक वाइक कर देना, कमेंट डाल देना उसमें बढ़िया से सागर भाई का हैप्पी बर्थडे। बस अभी मैं चलता हूँ, यहाँ के टीवी देखता हूँ, शाम को बनाऊँगा मैगी और चाय, तो तुम्हें बारिश में कितनी तेज़ हो रही है, ये देखो भाई कितनी तेज़ बारिश हो रही है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है, बहुत तेज़ इंतहा बारिश हो रही है, भयंकर भर गया, पूरा भर जाएगा अभी, हमारा पूरा गार्डन भर जाएगा, सारा गार्डन भर जाएगा, बहुत तेज़ बारिश हो रही है। ये देखो भाई दिख भी नहीं रहा, आस पास चीज़ें भी दिख रही, इतनी बारिश हो रही है, तेज बारिश हो रही है, ये गली का माल दिखा रहा हूँ मैं आपको, इतनी बारिश हो रही है पूरी भयंकर वाली, नहाने वाले बंदे नहा रहे हैं, कुछ एंजॉय कर रहे हैं बंदे जिनको नहाना है ना। चलो अभी शाम को मिलता हूँ, वाली मैं बता रहा था आपको, कभी बारिश का मौसम हो रहा है हमारे, और ये इट और नॉट बेकार, क्यों बेकार का रीजन तो दे दे जरा, बेकार है क्यों, शिलवर डाल दी, उसको शिलवर पसंद नहीं है तो बेकार है मैगी भाई, इतनी टेस्टी बनी ना, मम्मी कैसे बनी है, सुपर बनी है मम्मी का, पीछे से भाई मेरी मैगी है, ये देखो ये देखो, अभी इसने क्या करा, ये देखो ये देखो ये क्या कर रहा है, शिलवर निकाल के मेरे में डाल रहा है, ये मेरी चाय शिलवर मेरे में ज़्यादा होगी, क्योंकि इसने सारी शिलवर निकाल के मेरे में डर कर दी, और सिर्फ इसको शिलवर पसंद नहीं इसलिए बेकार बनी मैगी, निकाल कर डाल रहा है, मम्मी कह रही सुपर डिलीशियस, मम्मी से मस्त बनी ना, मस्त बनी है मम्मी, पूरी ब्लर होगी कोई नहीं चलता है, तो अभी खत्ता है, फिर अभी उधर है कितने बजे, 6:10 हो रहे हैं, वॉशिंग मशीन वाला बंदा अभी भी नहीं आया भाई, उसको फ़ोन कर दूंगा नहीं अब मैं, कि बारिश हो रही फिर वैसे बच्ची तो बहाना मारेगा, और बस अब वॉशिंग मशीन नहीं है हाँ, तो कपड़े भी नहीं धुल रहे, और जब बंदे के पास जो चीज़ नहीं होती ना उसको सबसे ज़रूरत उस चीज़ की तभी महसूस होती है ना, ये तो होता है, जो चीज़ आपके पास नहीं है उसको उसी चीज़ की ज़रूरत महसूस होगी, और जब आपको आ जाएगी ना तो आप सोच फिर काम करोगे नहीं, वॉशिंग मशीन हमारी ठीक हो जाती है तो हम कपड़े धुल जाते जो हमारे पड़े हैं, काफ़ी सारे कपड़ों को ढेर हो रहा है अंदर, और वो बंदा हमारे से पैसे ले गया और वह आ नहीं रहा, अब उसकी मन मर्जी चलेगी क्योंकि वो हमारे से पैसे ले गया, अगर हम उसको पैसे नहीं देते 10 बार दौड़ता हुआ आता भाई ठीक करने के लिए, तो यही बात है, वो तो खैर 2000 मांग रहा था, मैंने 1000 रुपये दिए उसको, लेकिन ये है कि जब आप समय निकल रहा है सुबह था जब समय, जब बारिश नहीं तभी आया था तो बंदा आया नहीं भाई, अब फंस रखा है हमारा काम, और बार बार यही हो रही है भाई कब आएगा कब आएगा, और बार बार उसको फ़ोन कर सकते उसने बोला कि मैं 5 बजे तक आ जाऊँगा, और 5 बजे हो रही है बारिश, 6:10 हो रहा है अभी भी बारिश हो रही है, तो वो अब फ़ोन करूँगा तो फिर वो बहाना मारेगा भाई बारिश हो रही है, तो इसलिए अब कल देखते हैं, कल का इंतजार करते हैं, कल वो आता है, बस कल भगवान बारिश आओ, मतलब 2-3 बजे तक बारिश आओ, जिससे बंदा आके हमारी वॉशिंग मशीन ठीक कर जाए और हमारा काम जो है वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि मैं सामान में लिया, अगर सामान भी मैं लाया हूं, वो गलत आ गया दिक्कत हो जाएगी, और वो अगर जल्दी आ जाएगा ना तो ये होगा कि अगर उसने बोल दिया भी गलत आ गया तो मैं चेंज करा के ले आऊँगा, तो इससे क्या बेनिफिशियल आएगा, कल ही हमारी मशीन लग जाएगी, और अगर वो रात शाम को आया तो शाम को तो जा नहीं पाऊँगा बदलाने के लिए, तो उससे फिर दिक्कत ये होगी, फिर देख दिन और टल जाएगी, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ जल्द ना जल्दी आ जाए। चलो थोड़ी देर फिर मिलते हैं, मैगी खाता हूँ मैं, चाय पीता हूँ क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया, फिर शाम को दिखाता हूँ क्या चल रहा है। अरे अरे